वेलकम बैक टू फूड पॉलिस। आज मैं आप लोगों से साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो काफ़ी चटपटी बनती है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बड़े साइज के साबूदाना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हाफ कप मैंने साबूदाना लिया है। और इसे सोक नहीं करना है, ये इंस्टेंट मैं बना रही हूँ। और साबूदानों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और धोने के बाद मैंने रख दिया अलग। और यहाँ पे कढ़ाई में मैं तड़का लगा रही हूँ जीरे और राई का, और उसमें मैंने डाल दिया है 1 पिंच हल्दी पाउडर, जिससे कि तेल के छींटे ना उड़े। और उसके बाद मैंने डाल दिया है 1 कप पानी, और पानी डालने के बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा करी पत्ते, और साबूदाना जिसे हमने धो करके रखे हैं उसे भी मैंने डाल दिया है। 5 मिनट मैंने कुक कर लिया है, और 5 मिनट के बाद आप लोग देख पा रहे हैं अभी प्रॉपर कुक नहीं है। और मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च और करी पत्ते जो है वो भी डाल दिए हैं यहाँ पे, और इसे हम लोग और 5 मिनट ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। देखिए ये हमारे साबूदाना का क्या हालत है, और ऊपर से मैं लेमन जूस स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे रोस्टेड पीनट डाला है, और फिर इसे हम लोग कर लेंगे मिक्स। और साबूदाना का खिचड़ी है तो खिचड़ी के जैसा कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ड्राई नहीं बनाया है। बहुत ड्राई बनाने से ये जो है ये काफ़ी कच्चे रह जाते हैं। मैंने थोड़ा सा टमाटर और जो है किशमिश ऊपर से गार्निश कर दिया है। और देखिए साबूदाना का हमारा चटपटा सा खिचड़ी तैयार है, जो बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आएगी, और ये आप नवरात्र में बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।